एग्जीक्यूशन फ्लो विद रिस्पेक्ट टू एग्जिट फंक्शंस, प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, फर्स्ट वन ब्रेक, सेकंड वन रिटर्न स्टेट, बट इन दैट केस वी आर कॉलिंग एग्जिट फंक्शंस। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एग्जिट फंक्शंस? अगर थ्रू आउट सी प्रोग्राम कहीं भी आप एग्जिट फंक्शंस को कॉल करोगे, एग्जिट का वर्किंग क्या है, होल प्रोसेस को टर्मिनेट करना। मीन सी प्रोग्राम इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में कंसिडर होगा एज अ सिंगल प्रोसेस। अगर करेंट प्रोसेस को टर्मिनेट करना, देन यूज क्या करोगे, एग्जिट फंक्शंस। इट इज यूज टू टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। इसे जैसे ही एग्जिट को चांस मिलेगा, एग्जिट कहीं भी कॉल करना पॉसिबल, लेकिन जब भी एग्जिट को चांस मिलेगा, इसका वर्किंग क्या रहेगा, होल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना। अगेन इस केस में सबसे पहले क्या आएगा, S5, देन वी आर कॉलिंग M1 के अकॉर्डिंग अगेन वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा आई विद इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज। आफ्टर दैट स्टेटमेंट S1, कंडीशन इज ट्रू, देन स्टेटमेंट S2 के जस्ट बाद कॉल क्या हो रहा है इस केस में, एग्जिट फंक्शन। जैसे ही एग्जिट फंक्शन एग्जिट हुआ, इमीडिएटली होल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाए। मीन्स इस केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल डायरेक्टली सेंड होगा रिटर्न बैक टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स होल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो चुका, तो उसका मीनिंग क्या है, ना ही फोर लूप का रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ना ही M1 का रिमेनिंग पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा, ना ही कॉलिंग फंक्शन का रिमेनिंग बॉडी सेशन कंटिन्यू हो रहा। ओनली क्या है इसके इसमें S5, S1 और